नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कैंपस वाला यूट्यूबर में। दोस्तों हमेशा की तरह मैं हाजिर हो गया हूँ सही व सटीक जानकारी के साथ आपके साथ वीडियो को लेके। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं हीरो मोटो कप से कैंपस प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस की जानकारी लेके आऊँगा, आज मैं तीन ट्रेड फिटर टर्नर मशीनिस्ट के क्वेश्चंस की जानकारी लेके आया हूँ। दोस्तों इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन ही रखे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो मैं इसके और पार्ट बनाऊँगा। और बहुत ही मेहनत से मैंने क्वेश्चन इकट्ठा करे हैं, अपने कई दोस्तों से फ़ोन करके मैंने पूछा, मेमोरी बेस्ड दोस्तों ये क्वेश्चंस हैं, जैसा उन्होंने बताया मैंने उस प्रकार के उस टाइप के क्वेश्चन रखे हैं, मुझे जितना याद था मैंने वो क्वेश्चन रखे हैं। और भी पार्ट्स इसके बनाऊंगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, और भी ट्रेड्स के क्वेश्चंस को मैं लेकर आऊँगा। तो दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं, अगर आपको और कोई डिटेल चाहिए हो तो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आपको हमारे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों सीधे बात कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन जो है, गियर किस मेटल के बनाए जाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दोस्तों फोटो आ रही होगी, ये गियर्स होते हैं और ये गियर बनाए जाते हैं कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, एलॉय स्टील और ब्रांच के। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, जैसा कि पूछा गया इसमें दोस्तों, साधारण कार्यों के लिए कितने डिग्री के छेनी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मैं आपसे ये नहीं कहता कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसमें से लगभग 50% आपके एग्जैक्ट क्वेश्चन आएंगे, और आप लेवल देख सकते हैं दोस्तों कि बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं आता है, सिंपल लेवल के ही क्वेश्चन होते हैं। आपको किस टाइप के क्वेश्चन तैयार करने हैं ये आपको जरूर इससे पता चल जाएगा। दोस्तों आपको स्क्रीन पर साथ ही साथ छेनी की फोटो भी दिख रही होगी। और तीसरा आप क्वेश्चन है दोस्तों, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर क्या होता है या इसका काम क्या होता है, ये क्वेश्चन था। दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर की फोटो, दोस्तों ये 90 डिग्री में जो आपका जहाँ पे तंग जगह होती है, जहाँ पे आप किसी काम को नहीं कर सकते, तो ये 90 डिग्री पर आपकी जो मोशन होती है उसको चेंज कर देता है, जिससे आपको वो काम कर सकते हैं। दोस्तों चौथा आपका दोस्तों प्रश्न है, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का लीस्ट काउंट कितना होता है। दोस्तों लगभग सारे लीस्ट काउंट आपको पता होने चाहिए इंपॉर्टेंट, जैसे कि वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर हो गया, वर्नियर माइक्रोमीटर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, और वर्नियर कैलिपर हो गया, और आपका डीटीआई हो गया, ब्रिटिश डीटीआई हो गया, मीट्रिक डीटीआई हो गया, आपको इन सब के लिस्ट काउंट पता होने चाहिए। अगर आपको सारे इंपॉर्टेंट लिस्ट काउंट का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आपको जिस टाइप के भी जैसे क्वेश्चन का भी वीडियो चाहिए आप जरूर से कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा जल्द से। दोस्तों पाँचवा क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, लंबे शाफ्ट को सहारा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों लंबे शाफ्ट को सहारा देने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन है। दोस्तों जैसे कि बहुत सारे लंबे शाफ्ट होते हैं, उनको दोस्तों जो सपोर्ट दिया जाता है, आप फोटो में देख पा रहे होंगे, वो दोस्तों बेयरिंग होती हैं जिनसे उनको सपोर्ट दिया जाता है। छठवां क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, माइक्रोमीटर के रैचेट स्टॉप का प्रयोग क्यों किया जाता है। जो रैचेट स्टॉप होता है, जब किसी चीज़ को मेजर करते हैं दोस्तों, तो एक लास्ट में भाग होता है उसके हैंडल के पास, रैचेट स्टॉप, जिससे दोस्तों हम लोग इसलिए उसको जब घुमाते हैं तो वो चट चट बोलने लगता है, जब एक सर्टेन प्रेशर आ जाता है तो वो आवाज़ करने लगता है, कि जिससे कि इससे ज़्यादा प्रेशर अब नहीं लगाना चाहिए वरना एक्यूरेट रीडिंग नहीं आएगी। तो दोस्तों माइक्रोमीटर के रैचेट का काम होता है प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। ट्राई स्क्वायर के कितने भाग होते हैं। दोस्तों ट्राई स्क्वायर के दो ही भाग होते हैं, और हेड व स्टॉक जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे। दोस्तों आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, किसी खांचे या स्लॉट की माप के लिए प्रयोग किया जाता है इनसाइड कैलिपर। दोस्तों फोटो आप देख रहे होंगे, नवा है, जब बेसिक टॉलरेंस एक ही साइड दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसे यूनिलेटरल टॉलरेंस कहते हैं। दोस्तों ये दोस्तों टॉलरेंस पे आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और दसवां क्वेश्चन, ये दोस्तों मेरे में ही आया था, मुझे अच्छे से याद है, एक ये नलिंग वाला क्वेश्चन मेरे पेपर में ही आया था, और एक पेपर दोस्तों ये ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर वाला आया था, और गियर किस मेटल के बने होते हैं, ये तीन क्वेश्चन मुझे अच्छे से याद है, मेरे एग्जाम में आए हुए थे। और भी दोस्तों क्वेश्चन है, इसका दूसरे पार्ट में मैं बनाऊंगा। माइक्रोमीटर का एनविल किस धातु का बना होता है, ये टंगस्टन कार्बाइड का बना होता है। एक क्वेश्चन और आया था, माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना होता है। दोस्तों तो 10 माइक्रोन होता है, ये आया था मेरे पेपर में। दोस्तों इससे रिलेटेड और भी वीडियोस के लिए, और भी दूसरे ट्रेड के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए, वेल्डर के लिए, अगर बनाना है वीडियो तो आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं ज़रूर से आपको वीडियो बना दूंगा। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, मैंने अपने 3-4 दोस्तों को भी कॉल करके पूछा कि कैसा क्या, आपको कौन कौन से क्वेश्चन याद है। मेमोरी बेस्ड दोस्तों मैंने ये बनाया हुआ है, जितना मुझे आता है और जितना 3-4 लोगों से पता किया उनको आता है। तो वीडियो को जरूर से एक लाइक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों यही लेवल होता है, इसी लेवल पे आप तैयारी कर लीजिएगा, आपका जरूर से एग्ज़ाम निकल जाएगा। अगला वीडियो मैं इंटरव्यू के ऊपर बना दूंगा, आप जरूर से इस वीडियो को प्यार दीजिए। तब तक ले, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।